नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्यों है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं तो वॉक भी करता हूँ, खाना बढ़िया खाता हूँ, जिम जाता हूँ, सर जिम में मैं 50 से 60 100 किलो में उठाता हूँ, सर मैं 2 से 3 घंटे जिम में अपना बिताता हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, बढ़िया प्रोटीन्स खाता हूँ, बढ़िया डाइट खाता हूँ, तो उसके बाद मेरे को सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्यों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों, मैं सेक्स नहीं कर पाता, मुझे इरेक्शन नहीं होता, मुझे मन नहीं करता, मैं एक बार सेक्स करता हूँ दूसरी बार मन नहीं होता, मैं महीनों सेक्स नहीं कर पाता हूँ, मेरे को मन ही नहीं करता सेक्स करने का। दोस्तों इसका मतलब है कि आपके बॉडी में कुछ कमियाँ हैं। कमी किस चीज़ की? कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। हमारी जो बॉडी है वो बनी है 72% ऑफ वाटर की, और बाकी जितना भी कंटेंट है वो मिनरल्स का है। बहुत सारे हैवी मेटल्स मिनरल्स हमारी बॉडी में, इतने सारे कि सबका मेरे ख्याल में पूरा शोध भी नहीं है। आप जब टेस्ट कराते कि आपकी बॉडी में यूरिया कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, अल्कलाइन फॉस्फेट कितना है, गामा जीजीबी कितना है, दोस्तों हमारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स हैं। और जब कमजोरी होती है, जब दिक्कतें स्टार्ट हो जाती, तो ये क्यों होती हैं? हमारी बॉडी में एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, और जो ही वो बॉडी में हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल चलती है, क्योंकि आपके पास एनर्जी होता है, आपके पास ताकत होती है, आप सारा काम अच्छा करते हैं। लेकिन एकदम से आपको बिल्कुल लेथार्जिक फील होता है, आप कमज़ोर फील करते हैं। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि आपके हार्मोन्स प्रॉपर काम नहीं करते। FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, T3, T4, TSH, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो बॉडी में प्रॉपर काम नहीं करते। रीज़न क्या है? स्ट्रेस। ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो आपको डिसबैलेंस होगा हार्मोन्स का। अब जो ही बॉडी में हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक रिसाव सा आता है, डिग्रेडेशन ऑफ मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी प्रॉपर काम करना बंद कर देती है, लिवर प्रॉपर काम करना बंद कर देता है, कुछ एंजाइम्स कम होते हैं, कुछ एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, डिसफंक्शन हो जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उसको हम कहते हैं। और जो ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो दोस्तों इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत है जिसको पता है कि कौन सी दवाई देनी है। हमको बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिससे जो ये सारे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस आ जाए बॉडी में। कोंजम क्यूटेन, एलकांटिन, एस्ट्राजेंथिन, यूपीकिनोल, बहुत ऐसे, आर्जिनिन। आर्जिनिन कैसे आएगा बॉडी में? आर्जिनिन जो है बेसिकली ये हमारा पावर हाउस है बॉडी का, जैसे हमारे पास इन्वर्टर होता है, वही काम आर्जिनिन करता है। जो ही आप वॉक करते हैं तो आर्जिनिन बॉडी में स्टोर होता है, पैदा होता है, तैयार। तो उसको आर्जिनिन को कब यूटिलाइज होता है? जब आप थक जाते हैं तो वहाँ पर आर्जिनिन काम आता है, या कोई एक्टिविटी आप करते हैं वहाँ पर आर्जिनिन काम आता है। आप देखते होंगे जो हमारे फुटबॉल खेलते हैं लड़के, या जो क्रिकेट खेलते हैं, 5-5 दिन वो बिल्कुल धूप में खड़े होते हैं, उनके पास ताकत कहाँ से आती है? वो एक पानी पीते हैं, वो एलार्जिनिन होता है, ताकत होती है इस एलार्जिन में। तो ये एलार्जिन कहाँ से मिलेगा? फ्रूट्स खाने से। वाटरमेलन इज द मेन सोर्स ऑफ आर्जिनिन। तरबूज 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो। दोस्तों आज आप मेरी बात मानो, आज शाम को आप एक तरबूज खाओ, फिर आप देखो रात को क्या इरेक्शन होगा, यू विल हैव अ हार्ड इरेक्शन। तो वैसे ही बहुत सारे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो कौन दे देगा? वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही देगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के
विनती है, प्लीज ये जो जितने भी छोला छाप डॉक्टर हैं उनके पास मत जाइए, वो आपकी बॉडी को खराब कर देंगे। स्टेरॉइड्स को यूज करते हैं वो लोग, उनको पता नहीं होता। आजकल तो नया ट्रेंड चला मार्केट में, डॉक्टर रैना को बहुत सारे डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, फेसबुक में अलग अलग पेजेस बनाते हैं और हमारे प्रोफाइल्स भी बहुत हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको मेरे साथ बात करें तो एक ही नंबर है 7687878787, इस पर संपर्क करें। नीचे बेल आइकॉन को दबाएं, इसको आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे भेजें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये खाली पेशेंट एजुकेशनल वीडियो है। जब तक आप अपने बीमारी के बारे में एजुकेट नहीं होंगे तब तक मेहरबानी करके दवाई मत खाएं। ये किसी भी दुकान से आप कोई भी दवा उठा के खाते हैं भाई साहब, इसके बहुत साइड इफेक्ट्स है, इसमें दिक्कत बढ़ जाएगी आपकी। दोस्तों जान है तो जहान है, अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ बढ़िया रहती है तो आप बिल्कुल खुश रह सकते हैं। तो मेहरबानी करके अपने आप को ठीक रखो। दोस्तों अगर कोई भी सवाल आप मेरे से पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे वो वीडियो आपके सामने लाने के लिए और आपके साथ बात करने के लिए। आप अपना नंबर भी वहाँ पर डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको कॉल करने के लिए। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है, मैं सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, एचआईवी देखता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।